पहला चुनाव जब 1951 में इस आजाद भारत में हुआ था, तो बहनों भाइयों, हमारे भारतीय जनसंघ ने उस समय घोषणा पत्र में कहा था, जिस दिन भारत की संसद में हमको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा तो धारा 370, जिसके तहत जम्मू काश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, उस धारा 370 को हम समाप्त करेंगे और जम्मू काश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। आपने देखा कि दोनों सदनों में अपनी ताकत बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया। आज जम्मू काश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। 84 से हम कहते चले आ रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, आज आप जाकर देख सकते हैं अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। में जो कहा था उसको भी पूरा किया, 84 में जो कहा था उसको भी अब जाकर पूरा किया। जब आप लोगों ने हम लोगों के हाथों में ताकत दी तब पूरा किया। यह भी कहा था हम लोगों ने हमारी सरकार बनेगी तो जो भारत का विभाजन हुआ है, मेरे भाइयों, मैं तो यह कहना चाहूंगा धर्म के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत का विभाजन हो गया, यह विडंबना थी। भारत और पाकिस्तान बन गए, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जो भारत के मूल निवासी थे, उनमें बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न होता। ABP News, आपको रखे आगे।